ज्यादा ये तीन परिवार वाले जो शोषण करे है ना सालों तक आपका, करे या नहीं करे? अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे? ये मजाक उड़ाते थे, कौन आएगा यहाँ? ये मोदी जी का कमाल है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूँ, 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 25 अक्टूबर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह गर्जे जी, दरअसल की है पॉलिटिकल रैली, पाकिस्तान की ऊंट नींद हराम हो गई है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को दिया है करारा जवाब, कहा तीनों परिवारों का सफाया कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, ड्रैगन ने नया लॉ लाया है, लैंड बॉर्डर लॉ से पाकिस्तान खास करके भारत को टेंशन देने की तैयारी कर रहा, क्षेत्रीय अखंडता का हवाला दे, नया कानून लाया है चाइना ने सीमा से इलाके में, वो भी बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, इस्लाम छोड़, इंडोनेशियाई के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने हिंदू धर्म अपनाने का किया ऐलान है, बड़ी खबर निकल के आ रही है जी। दरअसल इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर कौन है इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति की बेटी। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, पाकिस्तान ने यूएस पर लगाया CPEC को नुकसान पहुंचाने का आरोप, पूरी तरीके से भारत को भी इसमें घसीट रखा है। एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे, जहाँ अफगानिस्तान में हालात खराब, फिर से तालिबानियों पर हमला होना हुआ शुरू, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुंछ में फिर से हुआ है आतंकी हमला। तो दोस्तों, एक एक करके जानेंगे, जहाँ पाकिस्तान में इमरान के नए पाकिस्तान में भीषण दंगा, कट्टरपंथी LTLP ने पूरे देश में काटा बवाल, इमरान खान ने कहा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। और इस बीच भारत पाकिस्तान मैच, सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में गर्जे, गृहमंत्री अमित शाह कहा तीनों परिवार यानी कांग्रेस महबूबा और फारूक का सफाया, अब नहीं चलेगी तीनों परिवारों की दादागिरी। दरअसल जम्मू कश्मीर दौरे पर दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास युग का शुरुआत हो चुका है, मैं जम्मू कश्मीर को आज से ये कहने आया हूँ कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ अन्याय का समय खत्म हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता है, अब जम्मू कश्मीर का विकास होगा और ये प्रदेश देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। अमित शाह ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया था, इन्हें जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं, अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहाँ के सभी लोगों को मिल रहा है। इसके साथ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सिखों, खत्रियों, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार पहले नहीं था, जो शरणार्थी वहाँ से आए थे वे अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि गुर्जर भाइयों के अधिकार नहीं थे, भारत के संविधान के सभी अधिकार अब मेरे भाइयों को यहाँ मिलने लगे हैं। अमित शाह ने कहा है कि एक ज़माना था कि जम्मू कश्मीर में कहने को 5 मगर 4 ही मेडिकल कॉलेज थे, आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू कश्मीर में अब 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, पहले 500 विद्यार्थी यहां से MBBS कर सकते थे लेकिन अब 2000 विद्यार्थी यहां MBBS कर पाएंगे। तो दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह ने जो कुछ विकास जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जो विकास की धाराएँ गंगाएँ बह रही हैं उसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ अमित शाह ने कहा है कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपये के पैकेज दिए थे और आज 55,000 करोड़ रुपये के पैकेज से 33,000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और विकास की 21 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने सीधा सीधा तीन परिवार कांग्रेस महबूबा और फारूक को चेतावनी दी है, उन्होंने कहा है कि अब इन तीनों परिवारों की दादागिरी नहीं चलने वाली है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है, यहाँ पर तीन परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ का पंच सरपंच भी अब आगे चलकर भारत सरकार में मंत्री बनेगा, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा, अब इन तीनों परिवारों का कुछ होने वाला नहीं है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने एक एक करके चुन चुन कर, हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऐतिहासिक हार, जी हाँ ऐतिहासिक हार, टूट गया दशकों का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान से हारा भारतीय, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा कर इतिहास रच दिया है, ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम को हराया है, कप्तान बाबर आजम और ओपनर मोहम्मद रिजवान की शानदार पारी के
दम पर पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक कर दिया है। दरअसल इस बार पाकिस्तान की टीम नहीं, दुबई और यूएई में बैठ करके भारतीय खिलाड़ी जो है मोमोज और पिज्जा खा रहे हैं, तो हार तो होना तय है। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 151 रन ही बना पाए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप दिखी और फिर रही कसर गेंदबाजी भी फ्लॉप रही। सिर्फ विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ा। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने बिना कोई विकेट खोए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने 68 रन बनाए, तुम्हें रिजवान ने 79 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में ये पहली हार बताई जा रही है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 6 मैच खेले गए हैं। रविवार को दुबई में खेला गया मैच ऐसा पहला मौका है पाकिस्तान की टीम की जीत हुई है, वरना 2007 से लेकर 16 तक हमेशा भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को ही हराया था। अगर 2007 की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। 2007 में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया। 2012 में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। 2014 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा था। 2021 में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से और करारी हार ये दुबई में मैच हुआ है जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ठीक नहीं, और एक तरीके से लोगों का जो गुस्सा है, फैंस का जो गुस्सा है, वो फूट पड़ा है तो केवल भारतीय क्रिकेटरों और भारतीय बॉलरों पर। ये आखिर कर क्या रहे थे, इतने दिन कोई अभ्यास नहीं, केवल टाइम पास चल रहा था, और यही कारण है कि अब लोगों का गुस्सा जो है वो इन खिलाड़ियों पर फूट पड़ा। और ऐसी शर्मनाक हार, पाकिस्तान से हार का मतलब है कि आप किसी लायक नहीं बचे हैं। इस तरीके से बड़ी खबर, हम चलते हैं अगले अपडेट। अरुणाचल प्रदेश तवांग मठ के प्रमुख बोले, अगले दलाई लामा के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं हो सकती। जी, दरअसल करारा झटका दे दिया है। अगले दलाई लामा का चयन करने की प्रक्रिया में चीन को शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ के प्रमुख ज्ञान दुम्बर येचो ने रविवार को कही है। उन्होंने कहा है कि चीन सरकार में धर्म में विश्वास नहीं रखती है और अगले दलाई लामा का चयन तिब्बती के लोगों के पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक मामला है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के और चीन की सीमा के पास स्थित एक लगभग 350 साल पुराने मठ के प्रमुख रिपोंचे ने यह भी कहा है कि चीन की विस्तारवाद की नीति का मुकाबला करना आवश्यक है और भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर कड़ी निगरानी लगातार बनाए रखनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर की नई चाल, भारत से सीमा विवाद के बीच पास किया नया कानून, सीमावर्ती इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है चाइना। दरअसल भारत के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे चल रही तनातनी के बीच चाइना ने एक नया लॉ जिसे लैंड बॉर्डर लॉ कहते हैं पास किया गया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्थायी सदस्यों की ओर से नया भूमि सीमा कानून पास किया गया है। इस कानून के तहत चीन सीमावर्ती इलाकों में अपने दखल बढ़ाने जा रहा है और वे इन इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें किसी भी अन्य देशों के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई और भी मुश्किल हो जाएगी। चीन अपने इस कानून को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहिंसक बता रहा है। इसके तहत चीन के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इन इलाकों में आर्थिक सामाजिक विकास के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किए जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों में लोगों के रहने और काम करने के लिए सीमा सुरक्षा और आर्थिक सामाजिक के बीच समन्वय बनाए जाएंगे और यह कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत संघ तनाव के बीच चीन की नई चाल, क्षेत्रीय अखंडता का हवाला दे पारित किया गया नया लॉ ऑर्डर, हमने आपको बताया। और इस बीच अगले अपडेट, इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाएंगे इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी, सबसे बड़े मुस्लिम देश में आखिर क्यों लेना पड़ रहा है ये फैसला। इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति सुकोणो की बेटी सकमावती सुकोणो पुत्री ने अपना धर्म बदल दिया है और वो इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रही हैं। इसके लिए वो 26 अक्टूबर को एक पूजा में शामिल होंगे, तभी हिंदू धर्म अपना लेंगी। दरअसल CNN इंडोनेशिया की रिपोर्ट के अनुसार धर्मांतरण के लिए मंगलवार को बाली द्वीप के बुलेंग रेजिडेंसी के सेंटर हेरिटेज एरिया के एक अनुष्ठान समारोह आयोजित किया जाएगा। 70 साल की सुकोणो पुत्री ने इस फैसले से देर भर में हैरानी जताई जा रही है। सुकोणो पुत्री की दिवंगत दादी को उनके इस फैसले के पीछे की वजह माना जा रहा है। मीडिया को सुकोणो पुत्री के फैसले के बारे में बताते हुए उनके वकील ने कहा है कि उन्हें यानी
पुत्री हिंदू धर्म का काफ़ी ज्ञान है और वह हिंदू धर्म के भी सभी सिद्धांतों और अनुष्ठानों ने भी अवगत है। सुकमावती सुकोणोपुत्री की तीसरी बेटी हैं और पूर्व राष्ट्रपति मेगावती की छोटी बहन है और इंडोनेशियाई नेशनल पार्टी के संस्थापक भी रह चुकी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान ने यूएस पे लगाया सीपीईसी के नुकसान पहुंचाने का आरोप, भारत को भी घसीटा। दरअसल खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत इन दिनों पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। विदेशी कर्ज से डूबे पाकिस्तान में चल रही चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं सीपीईसी का काम धीमा पड़ गया है और अब हर बार की तरह ही पाकिस्तान से इनमें भी भारत को कोसने का एंगल खोज निकाला है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी अथॉरिटी के चीफ ने कहा है कि भारत के समर्थन से अमेरिकी अरबों डॉलर की सीपीईसी परियोजना को नुकसान पहुंचा रहा है। परियोजनाओं को पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा करार दिया गया है। महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजना 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। आपको बता दें इसका उद्देश्य पश्चिमी चीन पर सड़कों, रेलवे और बुनियादी ढांचों का विकास, अन्य परियोजनाओं के नेटवर्क के माध्यम से दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है। सीपीईसी मामलों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध, विशेष सहायक खालिद मंशूर ने शनिवार को कराची में सीपीईसी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उभरती हुई भू रणनीतिक स्थिति के दृष्टिकोण से एक बात साफ है, भारत समर्थित अमेरिका सीपीईसी का विरोधी है और वह इसे सफल नहीं होने देगा। तो इस तरीके से उन्होंने भारत और अमेरिका को अब सीपीईसी का जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि चाइना जो है वो पाकिस्तान पर सीधा हमलावर है सीपीईसी को लेकर। अगली अपडेट तो दोस्तों तालिबान पर हुआ है जोरदार हमला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबान पर जोरदार अटैक हुआ है, कई तालिबानी मारे गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में तालिबान के वाहन को निशाना बना सड़क के किनारे किए गए बम विस्फोट में शनिवार को एक बच्चे सहित दो नागरिकों की मौत हो गई, चार अन्य लोग घायल हो गए और तालिबान और स्वास्थ्य अधिकारियों को यह जानकारी दी गई है। जिला पुलिस प्रमुख इस्तांबुल मुखार्जिम ने कहा है कि तालिबान के वाहन के पास एक बम दो विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई है। उन्होंने बताया है कि तालिबानी लड़ाकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ISI समूह पूर्वी नंगरहार प्रांत में सक्रिय हैं जहां उसने तालिबान को निशाना बना लगातार हमले किए हैं। स्थानीय हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने कहा है कि चार घायल नागरिकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इससे पहले बीते हफ्ते ISI ने दक्षिणी अफगानिस्तान के एक सिया मस्जिद में एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, जिनमें 47 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल भी हो गए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। जम्मू कश्मीर पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफ़ा ढेर, तीन जवान घायल। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के भट्टिया पुट्टिया टुंडिया में जंगल में तलाशी अभियान के दौरान रविवार सुबह आतंकियों सुरक्षा बलों पर फिर से गोलीबारी हुई, इनमें तीन जवान जख्मी हो गए जबकि पुलिस पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफ़ा मारा गया। इलाके में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, घायल जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राजौरी पुंछ जिले की सीमा पर लगे भाट्टा टुंडिया इलाके में 14 दिनों से आतंकियों की तलाश की जा रही है और इस इलाके में आतंकियों के हमले में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं और पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इलाके में आतंकियों के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए सेना और पुलिस की संयुक्त टीम लश्कर ए तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्तफा के साथ लेकर गई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है इमरान के नए पाकिस्तान में भीषण दंगे। कट्टरपंथी TLP ने पूरे देश में काटा बवाल, हमलों में कई लोगों की मौत। दरअसल पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन लोगों ने एक पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया है। लाखों लोगों की भीड़ ने रविवार को पाकिस्तान के लाहौर की तरफ कूच कर दिया। इनकी मांग है कि संगठन के नेता साद रिजवी को जेल से रिहा किया जाए। दरअसल बिगड़ते हालात के कारण देश में दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। TLP का कहना है कि लाहौर में सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में उनके 7 समर्थकों की मौत हो गई है, इसके साथ ही 3 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। अभी तक कुल 10 लोगों ने दंगों में अपनी जान गंवा दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार TLP का आरोप है उन्होंने पुलिसकर्मियों को इसलिए पकड़ा क्योंकि वे पेट्रोल बम से हमला कर TLP को आगजनी और दंगे करने के आरोप में फंसाना चाह रहा था और इसके बाद TLP ने 2,000 पुलिसकर्मियों और रेंजर्स को भी पकड़ा है।
तो दोस्तों पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा है। हमने आपको बताया कि कल कैसे देश भर में ज़ोरदार विरोध हुआ, खास करके महंगाई को लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला और अब इस तरीके से हालात पूरी ख़राब हो चुकी है इमरान खान की। हम चलते हैं अगले अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों भारतीय नागरिक अफगानिस्तान से लौटने का कर रहे इंतजार, पत्र लिखकर केंद्र सरकार से लगाई गुहार, मदद करो सरकार। दरअसल भारत विश्व मंच यानी IWF और अन्य मानवीय गैर सरकारी संगठन NGOs ने भारत सरकार से अफगानिस्तान में फंसे लोगों को तुरंत निकालने की मांग की है। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और विदेश मंत्रालय MEA के वरिष्ठ अधिकारियों के एक पत्र लिखकर काबुल यानी अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिख समुदाय के नागरिकों को जल्द से जल्द निकालने की मांग की है। हिंदी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी DSGPC के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने 20 अक्टूबर को लिखे पत्र के बारे में बताते हुए कहा है कि गुरुद्वारा सहित सिख नेताओं और गैर सरकारी संगठनों को काबुल में परेशान भारतीय नागरिकों और भारत मूल के अफगान नागरिकों को फ़ोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने पत्र पढ़ते हुए आगे बताया है कि वैध वीजा और भारत यात्रा के इतिहास होने के बावजूद उनमें से अधिकांश को अभी तक अपना ई वीजा प्राप्त नहीं हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों पाकिस्तान भारत पाकिस्तान मैच से पहले ही कल क्राइम ब्रांच का हुआ था बड़ा एक्शन, गुरुग्राम से बड़े सट्टेबाज गिरफ्तार। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच T20 विश्व कप में महामुकाबला हुआ और इसमें आपने देखा कि क्या रोमांच था। लेकिन इस बीच आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में एक बार जोरदार तरीके से सट्टेबाजों का भी आतंक रहा इस चुनाव में। और अगले अपडेट आपको बता दें भारत में गलत सूचना और नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा फेसबुक, रिपोर्ट में हुआ अहम खुलासे। दरअसल फेसबुक के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि कंपनी अपने सबसे बड़े बाजार भारत में भ्रामक सूचना, नफरत वाले भाषण और हिंसा पे जश्न से जुड़ी सामग्री की समस्या से संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी मीडिया से आई खबर के मुताबिक सोशल मीडिया के शोधकर्ताओं ने रेखांकित किया है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे ग्रुप और पेजेज हैं जो भ्रामक, भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी सामग्री से भरे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शनिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक फेसबुक के शोधकर्ताओं ने फरवरी 2019 में नए यूजर्स अकाउंट बनाया ताकि देखा जा सके कि केरला के निवासी के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट कैसा दिखता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आर्यन खान मामले में आया नया खुलासा सामने आया। नवाब मलिक के बयान के बीच समीर वानखेड़े ने कहा जाँच करा लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। फंसाने की कोशिश, आर्यन खान को बचाने की कोशिश हो रही है और NCB को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों आर्यन खान मामले में एक तरीके से अगर बात करें हम, जिस तरीके से खुलासा हो रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उस खुलासे से वानखेड़े साहब को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन वानखेड़े को घेरना अब भारी पड़ रहा है मंत्री महोदय को। आपको बता दें कि न जाने किन किन लोगों को गवाह बनाकर पेश किया जा रहा है कि इस मामले में पैसे की मांग की गई थी, 18-25 करोड़ में डील हुई थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आई हुई है कि वानखेड़े को फंसाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन वानखेड़े फ़िलहाल साइड से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वानखेड़े का कहना है कि फ़िलहाल ये सब केवल फंसाने की कोशिश और NCB को बदनाम कर से एक चरस गैंगियों की एक बहुत बड़ा नेक्सस है और इसी के लिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। जीका वायरस इन UP, कानपुर में मिला प्रदेश का पहला जीका वायरस का मरीज, जांच के लिए दिल्ली से पहुंची टीम। जी दरअसल यूपी में जीका वायरस ने एंट्री की है, क्या वाकई में सच्चाई? दरअसल प्रदेश में जीका वायरस का पहला मरीज कानपुर में मिला। जीका वायरस के मरीज मिलने के बाद दिल्ली में विशेषज्ञों की टीम कानपुर पहुंची और मरीज के संपर्क में आए लोगों के सैंपल दिए गए। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें।